हेलो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल अबोर्ड। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पर आराम से होंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, परफेक्ट। सेशन स्टार्ट करते हैं विद द मॉर्निंग मोटिवेशन। पीपीटी विजिबल होगा आप लोगों को, सारे लोगों को? बिहारी बोल रहा हूँ, ऑफिस से नहीं, घर पे सेटअप ऐसा कर लिया है कि अब वो ऑफिस वाला फील आने लगा थोड़ा सा, है ना? राधे राधे योगेश भाई। चलिए सर, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। Why so much positivity I am talking about today? Because 2-3 days before the examination, it happens with the student ki yaar, how you are preparing and this is the issue. Means there are lots of people around you, those will not motivate you, they will try to demotivate you. दूर रहो उनसे, बोल दो भाई, बोलना भाई ठीक है तुम्हारा, रहने दो हमारा ठीक चल रहा है प्रिपरेशन। इवन इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक, दे विल टेक यू एंड पुट समवेयर एल्स। तो इसीलिए दूर रहो ऐसे लोगों से, पॉजिटिविटी में रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिविटी अराउंड यू रिलेटेड टू द ग्रोथ, रिलेटेड टू द सक्सेस, नॉट द पॉजिटिविटी ऑफ कोविड। हाँ, तो वो वाली पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए सेशन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, लाइक चतुर बोल रहे हैं, तो सेशन में आगे बढ़ते हैं सर। और आपको बता दूं पहले कि आज हम डिस्कस करेंगे समिट्स। लाइक येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अपॉइंटमेंट्स। मैंने वही कोशिश की थी कि सितंबर अक्टूबर के आपके साथ मैं अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करूं, बिकॉज आई नो दिस नवंबर दिसंबर जनवरी यू गाइज आर कवरिंग प्रॉपरली, वो तो आप कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। तो मैंने सितंबर अक्टूबर के काफी इंपॉर्टेंट समिट्स आपके साथ, सॉरी अपॉइंटमेंट्स आपके साथ कल डिस्कस किए थे। टुडे विल बी डिस्कसिंग द समिट्स, बट मैंने टोटल कोशिश की है कि सारा कुछ कवर हो जाए आज के इंपॉर्टेंट समिट्स में। तो एंड ऑफ द सेशन, नॉट एंड ऑफ द सेशन एक्चुअली, मिड ऑफ द सेशन विल स्टार्ट समिट्स एंड विल कंटिन्यू टिल एंड। तो आई विल डिस्कस 15 मिनट्स न्यूज, 15 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आज के न्यूज हम कवर कर लें, कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करें। चलिए, एक इंफॉर्मेशन है सर, आदित्य कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द ऑलिवुड मॉक्स। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स मॉक्स परचेस कर रहे हो, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दें कि कोड आदित्य ही यूज करें फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इट। सेकेंड है NIACLAO, हम इंटरव्यू बैच लेकर आ रहे हैं, आई विल बी टेकिंग दैट बैच कंप्लीटली। एंड बैच में सारे के सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपके जो पीडी रिलेटेड टॉपिक हैं उन पर सब पर डिस्कशन होगा इन डिटेल। देर आर टोटल 10 लेक्चर्स इन दिस बैच। देर आर 2 1-to-1 मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज वी आर गोइंग टू कंडक्ट। वन विल बी वाय द इंटरनल फैकल्टी, आई विल बी टेकिंग इट, एंड वन विल बी फ्रॉम द रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो दो मॉक हमने यहां पर रखे हुए हैं, एक हॉलीवुड एक्सपर्ट के साथ होगा और एक होगा आपका जो हमारे रिटायर्ड प्रोफेशनल होते हैं सेक्टर से, उन्हीं के साथ में। तो ये दो आपके मॉक हम करवाएंगे इस इंटरव्यू बैच के अंदर, ठीक है? तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर का इंटरव्यू बैच आ रहा है, 24th से हम ये बैच स्टार्ट कर देंगे। कोड आदित्य। चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले क्विकली। तो आपका जो होमवर्क दिया था मैंने, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। फर्स्ट था, नेशनल हाउसिंग बैंक विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ, अर्लियर इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेन डिड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में रिपीट वगैरह होते रहते हैं एंड स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज डेटा सो ईजीली। दैट इज वाई स्टार्टेड गिविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन की थोड़ा हो सकता है आप रिसर्च करें और उसके बाद इसमें आंसर्स लगाने की कोशिश करें। तो एग्जैक्ट डेट था आपका 24th of April 2019। On this date, it was the RBI issues the notification that from now the ownership of NHB, National Housing Bank, transferred from RBI to Government of India. अभी Government of India इसको own करता, पहले RBI owner था।
थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज सेट अप ऑन 9 जुलाई 1988, 9 जुलाई 1988 को फॉर्मेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1987. एनएचबी इज अ कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 24th of April 2019. दे ऑल्सो डन फॉर दिस दे हैव डन द फाइनेंस एक्ट 2018 अमेंडमेंट. एक एक्ट इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट कौन सा पास किया था इसके लिए, फाइनेंस एक्ट 2018 अमेंडमेंट हैज बीन पास्ड टू ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. काफी इंपॉर्टेंट डेटा है. यहां पर देख लें सर, इनिशियल कैपिटल जो था आपका एनएचबी का, नेशनल हाउसिंग बैंक का, दैट वॉज 100 करोड़ रुपए. ऑथराइज कैपिटल है 2000 करोड़ रुपए. नाउ वन मोर पॉइंट, इन द बजट ऑफ 2019 देयर वॉज अ अमेंडमेंट अनाउंस्ड फॉर द एक्ट ऑफ 1987. अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया which were earlier regulated by national housing banks, the regulation has been transferred to Reserve Bank of India on 9 August 2018. तो August 2018 के बाद से थोड़ा सा पावर इश्यू हुआ है, थोड़ी देर होल्ड करिएगा, पावर विल बी बैक, आई एम देयर इन द बैकग्राउंड, डोंट वरी. सो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर्मेशन हुआ 9 जुलाई 1988 को. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं इनका रेगुलेशन आरबीआई को ट्रांसफर हुआ है. सेकंड पॉइंट है कि एनएचबी का जो एनएचबी की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हुई है. एनएचबी ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ओनरशिप, या आप बोल सकते हो रेगुलेशन, हैज बीन ट्रांसफर टू आरबीआई आल्सो इन August 2019. तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. ठीक, ये आपका एनएचबी रिलेटेड. हाँ, एनएचबी के चेयरपर्सन का नाम आपको आपसे पूछना चाहता हूं, एनएचबी के चेयरपर्सन का नाम क्या है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? 19 मार्च, ये तो एनएचबी का वेबसाइट से है सर, ये पूरा डेटा एनएचबी के वेबसाइट से है. अगर द हिंदू में भी आपके पास डेटा कुछ और दिया हुआ है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, दिस कंप्लीट डेटा इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एनएचबी. शारदा कुमार होटा जी इज द चेयरपर्सन, करेक्ट है, वेरी गुड. अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर इन द बैंक मे बी गिवन द राइट ऑफ वोटिंग, दैट इज वोटिंग राइट, दैट कुड एक्सीड द प्रेजेंट कैप ऑफ हाउ मच परसेंट. तो एक चीज समझिएगा, देख, एक टर्म होता है हमारे पास FII. चलिए मैं वापस आ सकता हूं अभी स्क्रीन पर. यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेना था आप लोगों को. Just a second. I don't know, yaar, what is the issue here. Chalo, I'll keep my cam off for some time. Maybe it is okay in some time. देखते हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाए. हाँ, एक सिंपल सा यहां पर लॉजिक लगा लेना था. या ग्रीन स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, इट इज लुकिंग लाइक डिस्को लाइट. सो FII एंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII में हमको एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेना था. वेन एवर देर इज एन इन्वेस्टमेंट in the Indian stock market as well, in the Indian stock market, if the investment is up to 10% of any company, 10% तक का जो investment होता है आपका किसी company का, that will come under FII, उसको FII में रखा जाता है.
एंड अबव 10% आपका जो इन्वेस्टमेंट चला जाता है अबव 10% इन एनी कंपनी दैट कम्स अंडर एफडीआई। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है, आपके पास ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं। इट इज जस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, आपका नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। व्हाइल एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ ओनरशिप यू आर होल्डिंग इन इंडिया इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो यहां पर 10% आप आंसर लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट था टोटल हाउ मेनी ओम्बुड्समैन सेंटर्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2021। सो करेक्ट आंसर है आपके पास 22 सेंटर्स थे इंडिया में। कितने सेंटर्स थे इंडिया में? 22 सेंटर्स थे इंडिया में। ठीक है, इज इट लाइक कैन वी कीप इट लाइक दिस, इज इट ओके, और शेल आई जस्ट कीप द दिस वन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ। 26% वाला कॉन्सेप्ट वो प्राइवेट बैंक के लिए है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, हाँ ऑफ बेटर है ना, ऑफ ही रख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं तो हूं बैकग्राउंड में, जरूरत पड़ेगी तो बता देना, बताते रहना, बीच बीच में आता रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेस्ड ऑन हूज कमेटी रिकमेंडेशन बैंकिंग ओम्बुड्समैन वॉज रिव्यूड इन द ईयर 2010। अभी ठीक है, मैं भी टेक्निकल एक्सपर्ट बन ही जाऊंगा कभी ना कभी। चलिए, दामोदर कमेटी हैज रिकमेंडेड इन द ईयर 2010। दामोदर कमेटी ने 2010 में रिकमेंडेशन दिया था, 2010 में रिकमेंडेशन दिया था दामोदर कमेटी ने। हाँ, न्यूज की जरूरत है ना। 2010 में रिकमेंडेशन दिया था टू रिव्यू द बैंकिंग ओम्बुड्समैन, एंड नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी यू विल फाइंड दैट 22 बैंकिंग ओम्बुड्समैन सेंटर्स वर देयर इन इंडिया। नाउ दे आर गोइंग टू चेंज इन टू द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। आपको पता होगा मैंने डिटेल में डिस्कशन किया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। सो इनका जो सेंट्रल ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन चंडीगढ़, SBI मीन्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्टैटिक के लिए तैयार रहे, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लर्क। चलिए मैं न्यूज की तरफ मूव कर रहा हूं आज। अब फर्स्ट है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड 16th of January एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। देखो यार, वैसे ही आपके पास इंपॉर्टेंट डेज की कमी नहीं थी, एक और स्टार्ट हो गया है, एक्चुअली टू स्टार्टेड रिसेंटली। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं आपके पास तो दो स्टार्ट हुए हैं। एक आपका बालवीर डे स्टार्ट हुआ है, आपको याद होगा फ्यू डेज बिफोर आई डिस्कस्ड बालवीर डे। बेटा रीजनल ऑफिस और ओम्बुड्समैन ऑफिस में डिफरेंस है ना, क्या क्वेश्चन था ये है ना क्वेश्चन, टोटल हाउ मेनी ओम्बुड्समैन सेंटर्स वर देयर इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2021। 22 ओम्बुड्समैन सेंटर्स थे, ये रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई तो 31 ही है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है वो। ठीक, चलो सो 16th of January को आपका नेशनल स्टार्टअप डे होगा। एक इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था वीर बाल दिवस, मैं लिख देता हूं साइड में। एक आपका इन्होंने अनाउंस किया है वीर बाल दिवस आपका अनाउंस हुआ है 26th of December को। ठीक है, इसके बाद आपका एक अनाउंस हुआ है
जनजातीय गौरव दिवस, अभी रीसेंट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जनजातीय गौरव दिवस ये आपका कब अनाउंस हुआ था? जनजातीय गौरव दिवस आपका अनाउंस हुआ था 15 नवंबर को। फिर एक था आपका ऑडिट डे डेडिकेटेड टू सीएजी। ऑडिट डे का डेट क्या है सर? ऑडिट डे याद है किसी को? बिल्कुल आसपास है आपका जनजातीय गौरव दिवस के, जनजातीय गौरव दिवस के बिल्कुल नियर में है, दैट इज 16 नवंबर। फिर एक था आपके पास जेवलिन थ्रो डे, जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त। ये सब रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं इसलिए ये बता रहा हूं, ठीक है? ये सब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा कौन सा था आपका? नाइन्थ ऑफ सितंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर। ये 2020 से स्टार्ट हुआ है, 2020 से। सो 2022 विल बी द थर्ड एडिशन। चलिए तो ये तो डेटा हो गया, आगे थोड़ा सा और न्यूज की बात कर लेते हैं। सो नेशनल स्टार्टअप डे हैज बीन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी। कब अनाउंस किया इन्होंने? ऑन 16 जनवरी इट विल बी सेलिब्रेटेड, एंड दिस सेलिब्रेशन इज बिकॉज ऑफ 6 ईयर ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लिए। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी 2016, एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग अ कंप्लीट वीक सेलिब्रेशन फॉर स्टार्टअप इंडिया डे, दैट इज फ्रॉम 10th to 16th। 1 वीक का सेलिब्रेशन यहां पर अनाउंस किया जा रहा है। द डेटा विच हैज बीन शेयर्ड इज वेरी अट्रैक्टिव, लाइक पीएम मोदी हाईलाइटेड द डेटा अबाउट द पेटेंट्स, दैट 4,000 रजिस्टर्ड पेटेंट्स वर देयर इन 2013-14, इंक्रीज टू लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 28,000 पेटेंट्स आर देयर। 2021 तक 28,000 पेटेंट्स हो गए इंडिया में। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वर 70,000 इन 2013-14, मतलब मोदी गवर्नमेंट आने से पहले, एंड नाउ देयर आर 2.5 ओवर, मींस अबव 2.5 लैक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कॉपीराइट टाइप समझते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं ये ट्रेडमार्क। ब्रांड 2.5 लाख रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स आर देयर इन इंडिया इन 2020-21। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग, द रैंक ऑफ इंडिया इज 46। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग, द रैंक ऑफ इंडिया इज 46। विच कंट्री इज ऑन टॉप? स्विट्जरलैंड इज ऑन टॉप, याद रखेंगे। कौन सा कंट्री टॉप पर है? स्विट्जरलैंड टॉप पर है सर। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए यहां पर, अभी मैंने आप लोगों को इंडेक्स का पूरा पीडीएफ दे दिया। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू इट, आप लोगों ने देख लिया इंडेक्स सारे के सारे। इंडिया का रैंकिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है वहां पर, इंडिया का रैंकिंग डिस्कस किया इन द डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस, तो उसको जरूर कवर कर लेना। इफ यू नीड अ वीडियो ऑन इट बता दीजिएगा, सेम टू सेम पीडीएफ आई विल कन्वर्ट इनटू वीडियो एंड आई विल शेयर विद यू। छोटा सा 5 to 10 मिनट्स का वीडियो बनाकर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? छोटा सा वीडियो बनाकर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राकेश आनंद एज द इंडियन चीफ द मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। भूपेंद्र सिंह बाजवा सर अपॉइंटेड इंडियन चीफ द मिशन फॉर एशियन गेम्स 2022। तो ये दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, वन फॉर एशियन गेम्स, वन फॉर कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम इन जुलाई 2022। एशियन गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हांगझो चाइना इन सेप्टेंबर 2022। राकेश आनंद जो है
ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा सर जो हैं, ये वुशु वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। वुशु बोल लो या कुंफू बोल लो सेम होता है। सो कुंफू एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1927, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। नरेंद्र सिंह बत्रा साहब जो है वो प्रेसिडेंट है इसके, राजीव मेहता जी सेक्रेटरी जनरल। तो ये आपका एक अपॉइंटमेंट न्यूज बन रहा है, काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स फील्ड रिलेटेड है जो कि एग्जाम के लिए बड़ा फेवरेट टाइप का टॉपिक है। आगे मूव कर रहा हूं मैं अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर। यूनियन कैबिनेट हैज डेडिकेटेड इंडिया फर्स्ट BHEL बिल्ट कोल टू मीथेनॉल पायलट प्लांट टू द नेशन इन हैदराबाद। फिर से सुन लीजिए, केंद्र सरकार ने हैदराबाद में भारत का पहला भेल, जो खाने वाली भेल नहीं है, BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, निर्मित कोयला से मीथेनॉल बनाने का जो प्लांट है उसको राष्ट्र को समर्पित किया। मीन डेडिकेटेड टू नेशन, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, कंट्री को डेडिकेटेड है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? यहां तक चीजें ठीक, आगे चले, बढ़िया। ये देखो एक अच्छा डेटा शेयर किया है नेहा ने, हरजिंदर सिंह विंटर ओलंपिक के चीफ दे मिशन है। ये डेटा वहीं पर ऐड कर लेना आप, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा वहां पर आप लोग इस डेटा को। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं। तो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कोल टू मिथेनॉल प्लांट यहां पर बनाया गया है। एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर बिकमिंग द एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द ईयर 47 एंड जीरो नेट कार्बन इमिशन बाय द ईयर, जीरो नेट कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2070 2070 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिस्टर पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एड्रेस्ड 16th एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2022 बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज का टॉपिक वैसे भी हमारा समिट्स ही है, समिट्स को ही आज हम रिवाइज करने वाले हैं, बस ये न्यूज कंप्लीट करेंगे उसके बाद समिट्स रिवाइज करेंगे। सो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन, जो कि 16वां संस्करण है, इट इज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट, हैज बीन कंडक्टेड एंड इट वाज कंडक्टेड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द थीम ऑफ सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। तो ये इसका थीम था, सुपर चार्जिंग, एवरीवन नीड द सुपर चार्जिंग इन देयर मोबाइल फोन। तो उससे याद रखिएगा कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ने लॉन्च किया है, एंड मोबाइल वर्ड से याद रखेंगे कि सुपर चार्जिंग इज द थीम, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप इज द थीम। बेटा GDP लिस्ट भी बनाकर दे दिया है कल मैंने, नेहा ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फाइल्स में जाकर चेक करो, कल आपको GDP का भी लिस्ट दे दिया है मैंने आपको, और जो इंडिया का रैंकिंग है दो बड़े इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है ये कल हमने शेयर कर दिया आपको, टेलीग्राम पर देखिएगा मिल जाएंगे। ठीक, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मिनिस्टर्स अनवेल्ड लीप लेवरेज एंकरेज एक्सेस प्रमोट एज द वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द आर स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप पे ही फोकस है सर पूरा का पूरा, ठीक, स्टार्टअप पे ही फोकस है। सो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ, मुंबई हेडक्वार्टर है, संजय गुप्ता सर जो है इसको चेयरपर्सन है जिन्होंने ये समिट को कंडक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.9 लाख करोड़ रुपए इन द वेरियस प्रोजेक्ट फॉर द वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022। फिर से समिट आ गया, मैं वही बता रहा हूँ, समिट ये डिस्कस करने वाले हैं आज। सो सिंपल कर लेते हैं न्यूज को, विल डिस्कस ऑल दीज न्यूज अगेन विद द हेल्प ऑफ MCQs वन मोर टाइम वंस योर IBPS PO and clerk एग्जाम विल बी ओवर। अभी मेरा ये है कि डेली आपके पास अपडेट्स होते रहें
एंड वंस दीज एग्जाम्स विल बी ओवर वी कैन डिस्कस दीज न्यूज वन मोर टाइम विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. अभी मैं एमसीक्यूज रिविजन नहीं करवा रहा हूँ आपको इनका डेली में, तो वो हम फिर बैक टू बैक जीए जीनियस करेंगे और इनको फिर हम वापस इन डिटेल रिवाइज करेंगे. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किए हैं इन द गुजरात. हमारे लिए पॉइंट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंटली साइंड एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट, तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 5.9 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी साइन किया है. मुकेश अंबानी सर इसके सीईओ है. अगला है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड सिंगापुर बेस्ड एलएनजी अलायंस साइंड एमओयू फॉर सेटिंग अप फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल इन मैंगलुरु कर्नाटका. तो कर्नाटका का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी टर्मिनल होगा जो कि मैंगलोर में स्टार्ट हो रहा है इन एसोसिएशन विद मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2250 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है. टारगेट इज सेम नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2070. बेंगलुरु हेडक्वार्टर है. बसवराज बोम्मई सर इसके चीफ मिनिस्टर, थावरचंद गहलोत गवर्नर है. गवर्नर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है अगला न्यूज देखें सर, अगला न्यूज देखें. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द एम्प्लॉयमेंट मिशन कॉल्ड रोजगार मिशन. अरे ये बहुत सारे ऐसे मिशन लॉन्च होते हैं, इनका होता क्या है बाद में ये पता नहीं चलता है. अब बहुत सारे स्टेट्स लॉन्च करते हैं, हमारे एमपी में तो बिल्कुल लगातार हर 15-20 दिन में एक रोजगार मिशन लॉन्च हो जाता है, पता नहीं चलता कि उसका होता क्या है. छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार मिशन नाम से एक मिशन की शुरुआत करने जा रही है. एम इज टू क्रिएट 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट. 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स क्रिएट करना. So they are going to make a committee with the experts of IITs, IIITs and IIMs. तो IIT, IIIT, IIM जो है इनको मिलाकर, इनके experts को मिलाकर एक committee बनाई जाएगी. Committee chairperson will be Bhupesh Baghel sir to implement this project. Chief Secretary of State will be the vice chairman of this one. Of this committee, principal secretary will act as a chief executive officer. Governor है अनुसुईया उके में. तो अभी तो कुल मिलाकर कमेटी बन रही है सर, एक जॉब क्रिएशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन के लिए कमेटी बन रही है. सो विच स्टेट इज मेकिंग दैट कमेटी? छत्तीसगढ़ इज द आंसर. ठीक है, चलिए आगे मूव करें. मेरा काम मेरा मन पंजाब ने लॉन्च किया है, वो दिल्ली वाला सही लगा. वो स्टार्टअप पिच जो उन्होंने स्टार्ट किया है ना कि यू कैन कम विथ योर आइडिया एंड गिव द पिच एंड इफ योर आइडिया इज गुड यू विल गेट द इन्वेस्टमेंट, वो बढ़िया प्रोजेक्ट है दिल्ली वाला, थोड़ा इफेक्टिव प्रोजेक्ट लग रहा है. इंटरनेशनल न्यूज है, लास्ट न्यूज है. विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ समिट. 8:30 पर आपका समिट स्टार्ट कर देंगे. Philippines has become the first foreign country to place the order of purchase of BrahMos shore based cruise missile system for its navy. तो अपनी नेवी के लिए BrahMos क्रूज मिसाइल सिस्टम इंडिया से परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस करने वाला फर्स्ट कंट्री इज फिलिपींस. 375 भी याद रख सकते हो, 375 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिसको अनाउंस किया गया है. BrahMos एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विल बी लीडिंग दिस सप्लाई प्रोजेक्ट. ये कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को. एंड या इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज इन नीड ऑफ हाई एक्सपोर्ट्स. बहुत जरूरी है हमारे लिए हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होना. मनीला इज द हेडक्वार्टर, फिलिपींस पैसो इज द करेंसी एंड मिस्टर रॉड्रिगो डुटरे इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री. चलिए आज का होमवर्क पहले ले लीजिए. ओल्ड न्यूज थोड़ा सा ओल्ड है, नहीं अभी थोड़े दिन पहले का है, उन्होंने पहले अनाउंस किया था, अभी एमओयू साइन कर लिया है. प्रीवियसली दे वर इन टॉक, नाउ दे साइंड इट, तो इसलिए न्यूज में. चलिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए, फिर हम समिट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. Priority sector lending is an important initiative of RBI towards the financial inclusion. Under PSL,
bank can lend up to how much amount of rupee per borrower for the social infrastructure activity. आपसे पूछा गया social infrastructure activity के लिए per borrower कितना loan provide किया जा सकता है. Next, financial, which of the following financial institution act as a market maker for trading exchange, managing merger, acquisition and other corporate restructuring. इनमें से कौन सा ऐसा organization है जो ये सब चीजों पर काम करता है. Which of the following is not true regarding to the call money? Call money के बारे में इनमें से कौन सा statement सही नहीं है सर. तो ये आपके पास तीन question मैंने रखे हुए हैं. Try to do the homework on it properly. थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आंसर निकालने की कोशिश करिएगा. Definitely it will be helping you only. चलिए मूव करते हैं समिट्स की तरफ. G20 has recently signed a deal on minimum global corporate tax. Which country is hosting G20 47th summit in 2021? तो 2021 का जो समिट है G7 समिट, that was hosted by which country? किस कंट्री ने होस्ट किया है सर? आंसर बताएं फटाफट से. UK, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर है UK. अभी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा. इन दिस मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट एटलीस्ट 15% टैक्स विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द कंट्रीज. विच कंट्रीज? द कंट्रीज विच आर हैविंग सेटअप इन वन कंट्री डूइंग द बिजनेस इन अनदर कंट्री, लाइक एमेजॉन. US बेस्ड कंपनी है बट दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया. If you are virtually earning money from some country or some place and you are not physically available with your setup in that country, तो आपके ऊपर tax लगाना difficult हो जाता है. But now according to this G7 agreement, this minimal corporate, global corporate tax, minimum 15% tax will be applicable on such countries. तो इससे country government को advantage होगा सर. ठीक है, RRB PO में आया था, बढ़िया, ठीक, अच्छी बात. विच कंट्री विल होस्ट 47th G7 समिट इन 2022? 2022 में G7 का समिट जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो जर्मनी. आपके पास समिट्स का लिस्ट हो गया. G7 समिट 2021 UK, यूनाइटेड किंगडम. 22 में जर्मनी है. 23 जापान. 24 हो गया आपके पास इटली. क्लियर? अच्छा, इटली ने, ये हो गया आपके पास इटली. अभी G20 पर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है सर? थोड़ा जल्दी आंसर करिएगा. इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मैक्सिको, टर्की एंड फ्रांस. आई एम मूविंग टुवर्ड्स द आंसर. सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20. इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, टर्की है, फ्रांस है. अच्छा, 20 मेंबर्स होने के कारण कंफ्यूजन ये होता है. हाउ टू रिमेंबर इट? मैं याद करवा दूंगा. ठीक है, मैं याद करवा दूंगा, बड़ी बात नहीं है. इंडिया हैज जॉइंड G20 तोरिका विथ इंडोनेशिया एंड इटली. इंडिया विल बी होस्टिंग G20 लीडर्स समिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इंडिया कब होस्ट करने वाला है सर G20 का समिट? 2022 में या 23 में? तो करेक्ट आंसर है 23. सो आपके पास जो समिट लिस्ट था, इन 2021 इटली हैज होस्टेड, 2022 इंडोनेशिया, 2023 होस्ट करेगा इंडिया. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ योर G20 समिट्स. ये आपके पास लिस्ट चल रहा है G20 समिट्स का. 24 में ब्राजील पहुंच जाएगा. ठीक, हाँ, इंडिया विल गेट द चेयरमैनशिप ऑफ इट ऑन 1st of December 2022. बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया को दिसंबर 2022 में इसका ओनरशिप मिल जाएगा. यहां पर देखिए ट्रिक है, हमको बस इतने का जरूरत है, दिस कलरफुल वाला. गुरुजी सीता एसएससी एफसीए में जॉब करती है. ट्राई टू पिक द बेस्ट नेशन, दैट इज जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया. एस फर्स्ट वर्ड इज साउथ, 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 दैट इज साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया. सो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया. आई इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड इटली. थ्री आई, फर्स्ट आई विल बी इंडिया,
सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड इटली। सो इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरे। जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। मैंने यहां पर सारे कंट्रीज के नाम ऑलरेडी रख दिए हैं, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि यहां से आप याद कर लें, इसको आराम से कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 का आंसर आप इजीली लगा लोगे फिर। इंटरनेशनल लीडर फोरम 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इंडिया विल बी होस्टिंग G20 समिट इन द ईयर 2023। ठीक है, 2023 में। एक पॉइंट यहां से पकड़ ले सर, G7 का अगर पूछ लेता है, G7 का मेंबर, तो G7 का आपको बस यहीं से पिक कर लेना है, GURU, गुरु, GFCI। बट इफ यू विल से सर बट दे आर एट, सो G8 वॉज द प्रीवियस समिट एक्चुअली। रशिया गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम G8 टू बिकेम G7, तो रशिया को हटाओगे G7 बन जाएगा। जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, तो ये आपका G7 हो गया। ठीक है, तो G7 का मेंबर कौन सा नहीं है, ये यहीं पर है G7, इसी में छुपा हुआ है G7। तो G7, G20 आपको यहीं मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे मूव करें। इंटरपोल मीटिंग 2022 होस्टेड बाय इंडिया, G20 समिट 23, इंडियन मैंस हॉकी वर्ल्ड कप 23, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 23, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 22, वर्ल्ड डेयरी समिट 22, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 21 में हुआ था, ग्लोबल फिल्म समिट 21 वाले अब स्किप कर सकते हो। ठीक है, 21 वाले अब स्किप कर सकते हो, 22 पर मूव करना डायरेक्टली। चलिए आगे आ जाए, G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। अभी अलग से किया गया था एक मीटिंग व्हेन तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान, उसके बाद एक मीटिंग हुआ था। पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर समिट विच वॉज ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। द इवेंट वॉज डन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इटालियन प्रेसिडेंसी बिकॉज इट वॉज हेल्ड इन 2021 इन अक्टूबर। अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट होगा। सो अक्टूबर 2021, 13th ऑफ अक्टूबर को मीटिंग हुआ। इट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री, इटली। फॉर द डिस्कशन ओवर विच कंट्री, अफगानिस्तान। दो पॉइंट बन रहे हैं। मिनिस्ट्रल राउंड टेबल सेशन, मिनिस्ट्रल राउंड टेबल सेशन, नहीं अजीत डोवाल जी इसमें कहा चेयरमैनशिप, कहां पर बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, मोदी जी रहेंगे तो मोदी जी लीड करेंगे कहीं पर भी, है ना। मिनिस्ट्रल राउंड टेबल सेशन ऑन आईटीयू डिजिटल वर्ल्ड, इट वाज हेल्ड इन वियतनाम, कंडक्टेड बाय द वियतनाम गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ITU डिजिटल समिट 2021 हु हैज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड, किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। देवू सिंह चौहान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कम्युनिकेशन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक सेकंड के लिए कैम ऑफ कर रहा हूं, देखिएगा मेरे बैकग्राउंड में एक चीज आएगी यहां पर। थीम ऑफ द डिस्कशन वॉज कटिंग द कॉस्ट, कटिंग द कॉस्ट, कैन अफोर्डेबल एक्सेस एक्सीलरेट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस्ट कटिंग, ये थीम रखा गया था सर, इसका इसका थीम रखा गया था। ठीक है, सेवंथ ब्रिक्स मीटिंग, ऑफ कम्युनिकेशन 2021 वर्चुअल मोड कंडक्ट हुआ। सेम देवू सिंह चौहान साहब ने इसको चेयर किया था, सेवंथ ब्रिक्स मीटिंग। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपके पास मेंबर्स हो गए। ठीक, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा यहां पर, जस्ट अ सेकेंड यार, थोड़ा स्टक हो गया।
Am I audible, guys? हाँ ठीक है, वापस आगे आ सकता हूँ मैं स्क्रीन पे। मैं लाइव था, लैपटॉप स्टक हो गया था। आईटीयू का हेडक्वार्टर लिख लेना यार, आईटीयू का हेडक्वार्टर जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड आईटीयू का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है आईटीयू, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। आगे मूव करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्स्थ एनुअल मीटिंग कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूए यूनाइटेड अरब एमरेट के अंडर में कंडक्ट हुआ था। इन्वेस्टिंग टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, इसका थीम रखा हुआ था सर। 18th इंडिया एशियन समिट, इट वॉज को चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, ब्रुनेई के सुल्तान के चेयरमैनशिप में कंडक्ट किया गया था। एशियन के मेंबर्स, याद करवा दूंगा मैं। 16th ईस्ट एशिया समिट, इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम में आता है। 16th ईस्ट एशिया समिट दैट वाज होस्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रुनेई, ब्रुनेई के चेयरमैनशिप में इसको कंडक्ट किया गया था। एंड पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑल्सो। सब अक्टूबर के ही हैं ये पॉइंट्स आपके, अक्टूबर नवंबर के पॉइंट्स हैं। सी दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 इंडिया विल बी टेकिंग द ओनरशिप और प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट एंड इंडिया विल कंडक्ट इट इन 2023। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया ने होस्ट किया इसको। 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क, पीएम मोदी एड्रेस्ड 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 25th ऑफ सेप्टेंबर 2021। बिल्डिंग रेजिलियंस वॉज द थीम, किसी ना किसी एग्जाम में आया है ये। नाउ डेवोस एजेंडा 2021, डेवोस एजेंडा 2021 पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी तो 22 का चालू हो रहा है सर, ये अभी तो 22 का प्रोसेस में है। आई वॉज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस दिस टॉपिक टूडे ऑल्सो विथ यू, पता नहीं कैसे मिस हो गया। सो टुमारो इन टी एन इट विल बी कवर्ड, डेवोस एजेंडा 2022 विल बी कवर्ड टुमारो। थीम था द ग्रेट रीसेट। और फिर यार ये वाले पॉइंट जरूर कवर कर लेना आप लोग, ये सारे एग्जाम रिलेटेड ही हैं, मैंने टेबल में बनाकर रख दिए हैं। सो आप लोग इनको डिस्कस जरूर कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। मैं एमसीक्यूज की तरफ ही मूव कर रहा हूं, ये टेबल आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो, बिमल पटेल इलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल लॉ कमीशन, यस इलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023। और इंटरपोल में प्रवीण सिन्हा जी, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है प्रवीण सिन्हा, इंटरपोल में उनको एशिया का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट, सेट टू होस्ट वर्ल्ड डेयरी समिट, 2022 में इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड डेयरी समिट। 21 विल बी होस्टेड बाय पेट्रो रिको, कैपिटल है सैन जोन, कैरेबियन आइलैंड है, मतलब कि यूएस की टेरिटरी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, जितेंद्र सिंह हैज वर्चुअली चेयर्ड 9th ब्रिक्स समिट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है सर? ब्रिक्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन शंघाई चाइना। ब्रिक्स मेंबर ऑफ 5 कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड देयर इज वन मिस्टेक व्हिच एवरी कैंडिडेट कैन डू इन द एग्जामिनेशन। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स? अभी करेंट में ब्रिक्स के मेंबर्स कितने हैं सर, बताइएगा, आंसर बताइएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स एट प्रेजेंट? आप मुझको क्वांटिटी बता दें, नंबर, दैट सर दीज आर द मेंबर्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स एट प्रेजेंट। कितने मेंबर्स हैं? 5 हैं, 8 हैं, 9 मेंबर्स हैं, ठीक ठीक।
अभी ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ब्रिक्स विच इज अ समिट, इट इज हैविंग स्टिल 5 मेंबर्स। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड डीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रिक्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग टोटल 9 मेंबर्स। इसके 9 मेंबर्स हैं। एनडीबी के नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 9 हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स कितने हैं आपके? 5 ही मेंबर्स हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो एनडीबी द न्यू मेंबर्स दोज गॉट एडेड, दैट इज यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश एंड आफ्टर दैट इजिप्ट। इजिप्ट, तो ये आपके पास 9 मेंबर्स हो गए। मार्कोस प्राडो जो है वो प्रेसिडेंट है, शंघाई चाइना हेडक्वार्टर है, 15 जुलाई 2014 को एनडीबी बना था सर। एनडीबी हेडक्वार्टर शंघाई, शंघाई चाइना हेडक्वार्टर एनडीबी का, सिंपल, ठीक है। तो 9th मेंबर जो है वो इजिप्ट है, 9th मेंबर इजिप्ट है आपका। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 20th to 28th of November 2021 इन गोवा, विच कंट्री वॉज द कंट्री इन फोकस ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल। कौन सा कंट्री कंट्री इन फोकस है फॉर द फिल्म फेस्टिवल? तो आपका आंसर रहेगा ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्रीज को कंट्री इन फोकस रखा गया था। ओपनिंग फिल्म ऑफ दिस फिल्म सेरेमनी वॉज द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, स्पेन की मूवी थी, एंड अ हीरो वॉज द क्लोजिंग फिल्म। इसके बाद आपके पास एक और आता है, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। इन्होंने अपना फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट कर लिया था, 6th एडिशन, 20th to 28th of November, अलॉन्ग साइड विथ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो चल ही रहा है, और इन्होंने ब्रिक्स वालों ने अपना फिल्म फेस्टिवल किया, 6th एडिशन है वो भी, नॉट फर्स्ट टाइम। धनुष फॉर द मूवी असुरन, बेस्ट एक्टर का इनको अवार्ड मिला था इसमें, तो ये अवार्ड्स को भी मैंने यहीं पर इंक्लूड कर दिया, रिलेटेड टू समिट है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट, किस डेट पर, किस डेट पर? हाँ, यूपी को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का टारगेट मिला है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन चार्टर डे 8th ऑफ दिसंबर। रीजन, 8th ऑफ दिसंबर 1985 सार्क वॉज फाउंडेड। अभी एक पॉइंट याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जामिनेशन मैनी मैनी टाइम्स, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में, इसलिए अच्छे से कवर करिएगा। एग्जैक्ट डेट 8th दिसंबर 1985। सार्क फुल फॉर्म यहां पर दिया हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, MBBSPAIN, ये मेंबर्स हैं सर। मेंबर्स हैं आपके मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। रिपीट एक और बार कर देता हूं, मालदीव्स है, नॉट म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये आपके पास मेंबर्स हैं। करंट चेयरपर्सन नेपाल है, हेडक्वार्टर इनका लोकेटेड काठमांडू में। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2022-23। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन? तो इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। 1948 में फॉर्मेशन हुआ था, किटैक लिम इज द सेक्रेटरी जनरल, किटैक लिम इज द लिम इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम काउंसिल। इंडिया को अभी रिसेंटली इसमें रीइलेक्ट किया गया। इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 2-डे समिट फॉर द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग द ब्रिक्स नेशन। द इवेंट वॉज एंकर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? एनटीपीसी ने सर इसको होस्ट किया था, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होस्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टेट विल होस्ट डिफेंस एक्सपो 2022? डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी होस्टेड बाय गुजरात, एंड इट विल बी फोकस्ड ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, दैट मेकिंग इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। विच कंट्री विल बी होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21? तो इंडिया ने होस्ट किया था, एंड फ्रॉम द इंडिया साइड इट वॉज होस्टेड बाई PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स
and industry. So PhD Chamber of Commerce and Industry hosted it. Mr. Alok Sharma was appointed as the president of UN COP26. Alok Sharma ji is a minister in United Kingdom. Indian origin hai, but United Kingdom ke minister hai. UN COP26 ke president appoint kiye gaye the. Next point, agla point. India recently hosted first ever 2+2 ministerial dialogue with Australia in New Delhi. The name of Australian foreign minister who took part in 2+2 dialogue, correct answer is Maurice Piane. Maurice Piane attended this summit from the side of Australia. And India ki side se hamare defense minister ne join kiya tha aur wahan se Maurice Piane has joined it. What is the theme of 13th BRICS summit that was hosted by India? 13th BRICS summit India ne host kiya, iska theme kya tha? Theme was intra BRICS cooperation, continuity, consolidation and consensus. To ye theme tha sir. The adoption of New Delhi declaration yahan par announce kiya gaya. Three new members got the membership of it. After that, Egypt also got the membership of it. So four new members has been added to the BRICS. Not BRICS. BRICS made New Development Bank. The first ever in-person Quad Leader Summit is scheduled to be held in which of the following country? In which country is going to be Quad Leader Summit? First ever. So, this was in the United States. Mein. Quad countries, that is Quadrilateral Security Dialogue. Four members are India, Japan, US and Australia. It is a group or syndicate against China. China ke against this group. Hai aapka. September 2021 mein summit. होस्ट हुआ है, मतलब कंडक्ट हुआ बाय होस्टेड बाय यूएसए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो नवंबर 2021 में पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका कहां पर हुआ है? बिहार में. ये कॉमन सेंस से लगा सकते थे. सो नालंदा बिहार में इसको कंडक्ट किया गया है. And it was hosted by Indian Council for the Cultural Relation. Indian Council for the Cultural Relation ने इसको host किया. India is participating in 6th Peaceful Mission 2021 SCO members of September 13 to 25th. Which country will be hosting this exercise? Peaceful Mission 2021 of SCO. तो Russia ने host किया. Exercise Peaceful Mission 2021, a joint counter-terrorism exercise between SCO and member states. 21st meeting of SCO, head of the state, council of the heads, in a hybrid mode conducted on 17th of September 2021. It was hosted by which country? So basically, Tajikistan. In Dushanbe, Tajikistan hosted the summit of 2021. So, 2021 ka jo summit tha SCO ka, wo Tajikistan mein conduct kiya gaya. Which country became the 9th member of SCO? Shanghai Cooperation Organization ka 9th member kaun sa country ban gaya? Correct answer hai Iran. So, Iran got the membership of SCO. Egypt became the 9th member of NDB. Iran became the 9th member of SCO. Which edition of Himalayan Film Festival begins from 24th to 28th of September in Leh, Ladakh? So it was the first edition of Himalayan Film Festival which was held in Ladakh in September 2021. Which state organized 3-day festival of dance and music? That is called Natya Sankirtan. So it was conducted in Manipur. Manipur mein conduct kiya gaya tha ye. फर्स्ट एडिशन के बाद 3-day डांस फेस्टिवल एंड म्यूजिक फेस्टिवल नाट्य संकीर्तन. सो इट वाज होस्टेड बाय मणिपुर. नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंटेड एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड 4 न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अहेड ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो ये 4 नए एडवोकेट्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट्स को अपॉइंट किया गया है इसमें.
तो यहां पर आपके पास नाम दिया हुआ है, फॉर अस इंपॉर्टेंट इज कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इज वन ऑफ द एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हु हैज बीन अपॉइंटेड। इंडिया से किसको अपॉइंट किया गया? कैलाश सत्यार्थी। आप तो उसको पकड़ो जो काम की चीज है। सितंबर का न्यूज है, इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड टू डे समिट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग ब्रिक्स नेशन। द इवेंट विल बी एंकर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एनटीपीसी ने अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। So tomorrow also in TNA will continue summit and I will add one more topic with this. The topic which you want, go and write in the comment box. कि सर summit के साथ ये topic add कर लीजिए TNA में for tomorrow. On the basis of majority, I'll pick the topic and that will be there tomorrow in TNA. Last question है, People's Advocate जो है वो David Attenborough सर को appoint किया गया था। कैलाश सत्यार्थी सर नोबेल प्राइज पीस 2014 फ्रॉम इंडिया एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज विथ मलाला यूसुफ जई हु वाज फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, एससीओ की ट्रिक बता दूं, एससीओ की ट्रिक है रुचि, आर यू सी एच आई रुचि, विजिटेड ताज इंडिया विथ काकू फॉर पीआई, रशिया चाइना ताजिकिस्तान इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान ईरान। सो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 9। प्रॉपर फॉर्मेट में कल दे दूंगा आपको, डोंट वरी, आज याद कर लो, प्रॉपर फॉर्मेट में कल दे दूंगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना टॉपिक समिट्स के साथ में क्या ऐड करना है, विच टॉपिक वी शुड ऐड विद द समिट फॉर टुमारोज टीएनए। न्यूज विल बी कंटिन्यू डेली, आई विल डिस्कस फर्स्ट 20 मिनट न्यूज, आफ्टर दैट विल डू दीज सेशंस टिल योर एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट टीएनए विल बी नॉर्मल लाइक वी वर डूइंग प्रीवियसली। चलो, सो आई विल बी मीटिंग यू बैक गाइस in the paid sessions today, lots of paid sessions, so we'll meet in the Kranti and Karma batch at 10 o'clock. Till that time, keep watching all aboard. Jai Hind.